वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन बॉय। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी रखता हूँ। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे एक होटल हॉट रॉक मिनापिन में। तो यहाँ के थोड़े ट्रेडिशनल खाने हम देखेंगे, और कोई अगर टूरिस्ट हैं तो फिर उससे भी बात होगी, नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी चेंजिंग आई है, टूरिज़्म में थोड़ी कमी है। हाय, ये हॉट रॉक के जो होटल है हम रुके हुए हैं, उनके रूम्स हैं, नए बने, बड़े कुशादा और मुनासिब रूम्स आपको यहाँ पर मुहैया होंगे।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ अभी जिस होटल में मैं मौजूद हूँ, हार्ट रॉक होटल, इसके ओनर जो हैं यहाँ के मालिक हाजी शहरबाज अली, इससे पूछते हैं कि इस साल के टूरिज़्म के हवाले से कि फ्लो कैसा रहा, और इसे जानना चाहेंगे कि इस कोविड की वजह से इनके बिज़नेस पे कितना असर पड़ा है। तो बहुत शुक्रिया शहरबाज भाई आपका टाइम हमारे लिए निकाल कर देने का, कि आप बताएं कि हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि इस साल आपकी कैसे फ्लो रही आपके होटल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन भाई आप आए, बहुत शुक्रिया। इस साल तो बिल्कुल ही मार्च से आज तक जुलाई एंड हो गया, तो कोई नहीं आ रहे। जो आना चाहते हैं वो भी आगे से बैरल पर रोकते हैं, आना नहीं देते। बाकी मार्च से अब तक एक भी टूरिस्ट नहीं आ रहा हमारे पास, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होटल, जिसकी वजह से माली मुश्किलात, स्टाफ का सैलरी और हुकूमत भी वो ताउन नहीं कर रही हमारी। जी बिल्कुल, ये वबा तो पूरी आलमी दुनिया में फैली हुई है, इस वजह से थोड़े एहतियात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत से अपील ये है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में वाहिद टूरिज़्म है जो यहाँ के ज़राए आमदन कहें ज़्यादातर 80% टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। यहाँ के टूरिस्ट ऐसे पॉइंट्स हैं कि लोग आते हैं, तो इस वजह से जहाँ से बाहर से जब लोग अंदर आना शुरू हो जाते हैं तो फिर यहाँ की रोज़गारी भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से कि गवर्नमेंट से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम निकाला और टाइम दे दिया। आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, कोई आया हुआ नहीं है यहाँ पर, कोई टूरिस्ट आते बस लोकल, यहाँ के मुकामी लोग कभी किसी दावत पे यहाँ पे आ गए तो ये तो फिर ना होने के बराबर है। शुक्रिया।